दोस्तों हम अभी हैं बस स्टैंड के पास यानी पटना बैरिया बस स्टैंड, और यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो के काम चल रहे हैं। और आज हम दिखाने वाले हैं मेट्रो कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है। इधर से देख सकते हैं ये बस स्टैंड के नज़ारे हैं, बस स्टैंड के आसपास के नज़ारे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ से देखेंगे तो मेट्रो के काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, और फर्स्ट फेज में आपको इधर की ओर मेट्रो आपको देखने को मिलेगी, यानी बैरिया बस स्टैंड से मेट्रो आपको मिल जाएगी। तो मेट्रो का काम जो फर्स्ट फेज है इधर की ओर ही चल रहा है, और कितने काम चल रहे हैं ये आपको देखने से साफ साफ दिख रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आपको काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि ऊपर ये ब्रिज जो बन रहा है वो मेट्रो के लिए बन रहा है। और यहाँ के देख सकते हैं आसपास के नज़ारे किस तरीके से हैं। जब यहाँ बस स्टैंड आई तो यहाँ के डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुए, और इससे पहले के डेवलपमेंट को आप देखेंगे तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुए थे, यहाँ ज़मीनें काफ़ी सस्ती थी, और आज के समय ज़मीनों के रेट काफ़ी महंगे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेट्रो के काम काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं, बहुत सारे पाए वगैरह बनाए जा चुके हैं यहाँ पे देखेंगे तो, और इसमें काम भी लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं, इस इलाके में बस स्टैंड से आपको 0 माइल की तरफ काफ़ी तेज़ी से काम चल रहे हैं। और इधर देख सकते हैं यहाँ पे बस स्टैंड से फिर पटना की ओर हम इंटर कर जाते हैं, बैरिया से हम पटना की ओर इंटर करेंगे। और यहाँ पे काफ़ी आए दिनों जाम का नौबत रहता है, और देखेंगे तो यहाँ पे आदित्य विजन बड़ी सी यहाँ पे इन्होंने खोल रखी है। और यहाँ से फिर साइड से अब देखेंगे तो हम पटना की ओर मूव कर जाते हैं, और दाएं साइड में हम लोग बख्तियारपुर की तरफ मूव कर जाते हैं। तो हम पटना की ओर मूव करते हैं और ओवरब्रिज पकड़ चुके हैं। ओवरब्रिज से आप देखेंगे तो नज़ारे आपको साफ साफ दिखेंगे, कितनी सारी पोल्स यानी पाए वगैरह बनाए जा चुके हैं और बनाए जा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से मेट्रो के लिए, जो काम है जो तेज़ी से चल रहा है। तो मेट्रो के फर्स्ट फेज के जो आपको डेवलपमेंट दिखेंगे जो इधर की ओर ही दिखेंगे और काफ़ी तेज़ी से दिखेंगे, देख सकते हैं ये नज़ारे एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जब दिल्ली मेट्रो जब बन रही थी इसी तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलते थे। और यहाँ पटना मेट्रो काफ़ी तेज़ी से बनाई जा रही है, और फेज़ वन जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो ऊपर से, फिर मेट्रो के लिए जो जाने के रास्ते हैं तो सारे कुछ बनाए जाते हैं, यहाँ पे ज्वाइन किए जाते हैं, और काम जो है तेज़ी से चल रहे हैं। और अलग अलग जगहों पे बेली रोड में भी काम चल रहे हैं, और अलग अलग जगहों पे काम तेज़ी से चल रहा है। तो यहाँ मेट्रो के कारण काफ़ी ज़्यादा जाम के नौबत भी रहते हैं, जहाँ तहाँ लोग मूव करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं अभी, और आए दिनों हमें लगता है 3-4 साल तक इसी तरीके से दिखने वाला है। जब तक कि ये काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक जाम के नौबत रहेंगे। तो पटना में काफ़ी ज़्यादा जाम का नौबत इधर की ओर, जिधर मेट्रो के काम चल रहे हैं या पुल्स के काम चल रहे हैं, ये सब जाम दिखने को मिल जाते हैं। यानी यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से हो रही है, मेट्रो का हो या पुल का काम हो, ओवरब्रिज का जो काम होता है उसको ओवरब्रिज वो कर सकते हैं, एलिवेटेड ओवरब्रिज कर सकते हैं, एलिवेटेड कर सकते हैं, एलिवेटेड के जो काम है वो भी तेज़ी से चल रहे हैं, और मेट्रो काम भी तेज़ी से चल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा बताइए, और जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपके सवाल हो हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं किस जगह की आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, ये भी हमें मैसेज के द्वारा कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।